आप सभी ने एक कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक इंसान को वरदान मिलता है कि वह जिस चीज़ को भी छुएगा वह चीज़ सोने की बन जाती है। ऐसी एक जगह है जिसका नाम है लेक नैट्रॉन, जो कि ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। कहा जाता है कि जो भी उसके पानी को छूता है वह चीज़ पत्थर की बन जाती है। आखिरकार क्या है इस लेक की असली सच्चाई, जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। कोई नहीं जानता था आखिरकार उस लेक की असली सच्चाई है क्या। यह बात पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैल गई। जब यह बात एक फोटोग्राफर निक ब्रांडेड को पता चली तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। जब निक वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वहां का नज़ारा काफ़ी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने देखा उस लेक के किनारे जगह जगह पशु पक्षियों के स्टैचू नज़र आ रहे थे। वह स्टैचू असली मृत पशु पक्षियों के थे। वहाँ ये बात किसी को नहीं पता थी आखिरकार वह पशु पक्षी किस तरह से उस स्टैचू में बदल रहे थे, लेकिन वहाँ के लोग मानते थे कि वह जगह श्रापित है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन फोटोग्राफर निक को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने इसकी असली वजह जानने की कोशिश की। जब उन्होंने उस लेक का पूरा मुआयना किया तब उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया उस लेक में नमक, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा कि जब उन्होंने लेक में अपनी पैन की स्याही को डाला तो वह स्याही कुछ ही सेकंड में जम गई। उस लेक का तापमान लगभग 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था। यहां तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन उन्हें यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी आखिरकार उड़ने वाले पक्षी उस लेक में गिर कैसे रहे थे। काफ़ी वक्त हो गया था, उन्हें यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने आप को उस लेक में देखा तो एक झटके में उन्हें सारी सच्चाई का पता चल गया कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा था, क्यों उड़ने वाले पक्षी उस लेक में गिर रहे थे। इन पक्षियों की मरने की वजह निक ने बताई कि उस लेक की अत्यधिक रिफ्लेक्टिव नेचर की वजह से ऐसा हो रहा था, यानी कि वह लेक बिल्कुल मिरर की तरह काम कर रही थी जिसकी वजह से पक्षी उस लेक में गिर जाते और उस लेक का शिकार हो जाते और कुछ ही देर में कैल्सिफाइड होकर पत्थर जैसे बन जाते। उस लेक में एक और तत्व भी पाया गया जो कि ज्वालामुखी की राख में पाया जाता है। इस तत्व का प्रयोग मिस्रवासी मम्मियों को सुरक्षित रखने में किया करते थे, जिस वजह से वह पशु पक्षी इतने वक्त तक सुरक्षित थे। तो यह थी उस लेक नैट्रॉन की असली सच्चाई। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।